हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कैसे हमने कूलम्स लॉ को डिराइव करना है गॉस थ्योरम से। हमारा कूलम्स लॉ क्या कहता है? एफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ में जो हमें एफ के लिए फॉर्मूला मिला था, उस फॉर्मूले को हमने डिराइव करना है गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम? इससे पहले की वीडियो में हमने गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाई द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे एंड इनिशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है phi e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट ds। वेक्टर e डॉट ds विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos थीटा। एंड यहाँ पर हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे सरफेस ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल जीरो है। When थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, देन cos थीटा विल बी इक्वल टू वन। थीटा जीरो होने पर cos थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वहाँ से हमारे phi की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन के बाद ES। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड S इज द सरफेस एरिया। S क्या है आपका? सरफेस एरिया है। चार्ज के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। ये चार्ज क्यों है? चार्ज क्यू के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे एंड गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर स्फेयर लेते हैं। गॉसियन सरफेस, कभी ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिशन लेवल पे भी आता है कि गॉसियन सरफेस चार्ज के अराउंड कैसा होता है। तो गॉसियन सरफेस चार्ज के अराउंड जो हम इमेजिन करते हैं वो एक स्फेयर के टर्म में लेते हैं। स्फेयर क्यों लेते हैं? क्योंकि मिनिमम जो एरिया कंसिडर करते हैं, मिनिमम एरिया, उसके लिए एक स्फेयर का एरिया ही मिनिमम होगा। इसलिए गॉसियन सरफेस हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं चार्ज के अराउंड। एंड एक स्फेयर के लिए सरफेस एरिया कितना होता है? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें कंसीडर कर रहे हैं चार्ज क्यू है, इसके अराउंड आर डिस्टेंस पर हमने यहाँ पे हमारा कोई दूसरा पॉइंट है, दूसरा चार्ज जहाँ पे हमने कंसीडर करना है पॉइंट पी है। एंड यहाँ से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। एंड हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल सरफेस है। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर। तो हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जो हमारा स्फेरिकल है, उसका रेडियस आर है, तो इसलिए एस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस phi विल बी इक्वल टू ई एस। नाउ हियर एस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर फॉर अ स्फेयर। देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने एस की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया है 4 पाई आर स्क्वायर। एंड गॉस थ्योरम से हमारे पास फॉर्मूला है phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स नाउ दिस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों टर्म्स जो हमें मिले थे, एक इंडिविजुअल टर्म मिला था phi इक्वल टू ई एस, यहाँ पर एस की वैल्यू पुट कर दिया तो हमें मिल गया है e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हमें मिला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास गॉस थ्योरम से है phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही phi की वैल्यू है, इसलिए ये दोनों इक्वल आपस में क्या होंगी? दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स phi बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमने e की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है और हमें e की वैल्यू मिली है e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला था जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। देखिए अभी हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है बट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हमने पहले ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कर चुके हैं, अभी हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हमें ए की वैल्यू मिल गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने डिराइव करना है। इट मीन्स एफ विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ए की वैल्यू हमें मालूम चल गई है, इक्वल टू 1/4πε0Q/r². एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। हमने फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इफ ई विल बी इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट देन एफ विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो देखिए जो हमारे ई की वैल्यू आई है इसी को हम क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें फाइनली कूलम्स लॉ का फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/4πε0Q/Q0/r² ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है कूलम्स लॉ का विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। नाउ वी विल डू सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सेकेंड एप्लीकेशन में हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने बात किया था कि हम गॉस थ्योरम की हेल्प से एक लाइन चार्ज, लाइन ऑफ चार्जेस, शीट या फिर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने अभी जो कूलम्स लॉ डिराइव किया उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया? तो सबसे पहले हमें उसमें मिला था कूलम्स लॉ के डेरिवेशन में गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमें मिली थी। अब सेकेंड में क्या, हमारे पास एक चार्ज नहीं है, वी हैड लाइन ऑफ चार्जेस। एक वायर कंसीडर कीजिए, उस वायर में क्या नंबर ऑफ चार्जेस हैं। देखिए हमने ये वायर कंसीडर किया है, हमारा फर्स्ट केस में सिर्फ एक सिंगल चार्ज था, चार्ज क्यू, ठीक है, उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकला था विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सेकेंड केस में क्या ले रहे, हमारे पास अब सिंगल चार्ज नहीं है, वी हैव लाइन ऑफ चार्जेस। हमारे पास क्या है, एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे चार्ज हैं। अब इस वायर के थ्रू किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। कैसे निकालेंगे, हम एक कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास एक वायर है, वायर की लेंथ हमने लिया है एल, वायर की लेंथ कितना लिया है एल, एंड इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज मीन्स चार्ज क्यू है, डेंसिटी डिवाइडेड बाई एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसलिए क्यू बाई एल है। इसको अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कहोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई ए या फिर क्यू बाई एस। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई बी, मीन्स एल लेंथ के लिए आपका चार्ज कितना है? क्यू। एल लेंथ के लिए चार्ज क्यू है, इस एल लेंथ वायर में टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, इसलिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने इंडिकेट किया है लैम्डा से। ध्यान रखिए हमने कंसीडर किया हमारे पास एक वायर है, वायर का लेंथ एल है, वायर में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? क्यू हैं। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्यू डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ वायर, दिस वैल्यू विल बी नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड नाउ इट विल बी इंडिकेटेड एज लैम्डा। इसको किससे इंडिकेट करेंगे हम? लैम्डा से। लैम्डा क्या है हमारा यहाँ पर? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ध्यान रखिए क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है एंड एल इज द लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ लाइन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये हमारे पास वायर है या फिर नंबर ऑफ चार्जेस जिस लाइन पे है वो हमारे पास वायर है, इसकी लेंथ एल है, चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है। अब इससे हमने डिस्टेंस आर पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए वायर के अक्रॉस हमारा जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे वो एक सिलेंडर होगा। वो क्या होगा? एक सिलेंडर होगा। सिंगल चार्ज के अराउंड जो गॉसियन सरफेस था वो एक स्फेयर था एंड लाइन ऑफ चार्जेस के अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा? एक सिलेंडर होगा। अब यहाँ देखिए दो, इसके अपर सरफेस या फिर हम ये इसके लोअर सरफेस पे देखें तो यहाँ पर डी एस एंड डी ई के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो।
कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जब आपका यहाँ पर थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, तो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। लोअर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो क्या कितनी होगी? जीरो। क्यों होगी? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। जब ई डॉट डी एस वैक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो वहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आएगा। इसके अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस में देखिए थीटा आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो इस अपर एंड लोअर केस में आपका वैल्यू कॉस थीटा की जीरो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि थीटा आपका 90 डिग्री है। लेकिन इसके यहाँ देखिए, यहाँ से इसके पैरेलल जो सरफेस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ई एंड डी एस के बीच में एंगल कितना है? जीरो। डी एस एंड डी ई दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो होगा। एंड व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वन, देन फाई ई, फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर वन पुट कर दिया है, ठीक है। ई को हमने यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू, मीन्स कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मीनिंग क्या है? डी एस आपका स्मॉल सरफेस एरिया है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमारा यहाँ पर सरफेस कैसा है? सिलेंडर है, तो यहाँ पर एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड फॉर सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू 2πRh होता है। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर की हाइट होती ना h, तो 2πRh का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने वायर की लेंथ को l लिया है, मीन्स यहाँ पर हमारे h की वैल्यू है l, देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2πRl। सिलेंडर का सरफेस एरिया का वैल्यू कितना आ गया है? 2πRl। r क्या है? वायर से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस है, एंड l इज द लेंथ ऑफ वायर, एंड 2π के यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो देखिए एक टर्म फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यहाँ से हमें वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया है, हमें यहाँ पर एल एस की वैल्यू मिल गई है 2πRl, देन दिस फाई ई विल बी इक्वल टू ई इंटू 2πRl। गॉस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दिस फाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स ये e इंटू 2πRl एंड q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों वैल्यू क्या हैं? दोनों आपकी फाई की वैल्यू हैं, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ से हमने फिर से e को सेपरेट करके e की वैल्यू निकाल लेना है, एंड e की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2πRl q बाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू 1/2πRl q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। Q क्या है? चार्ज ऑफ दिस वायर, इस वायर में कितना चार्ज है, ठीक है, ये Q है, उसकी चार्ज की वैल्यू है। और इस Q की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है? इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दिस Q विल बी इक्वल टू लैम्डा L। वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है एंड वायर की लेंथ एल है, देन टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन दिस वायर विल बी इक्वल टू लैम्डा एल। एंड यहाँ पर क्यू की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया है, देखिए क्यू की जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दिया है, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, क्यू की जगह पर हमने वैल्यू प्लेस कर दिया है लैम्डा एल। नाउ दिस एल एंड एल विल बी कैंसिल, एंड फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई आर। E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई आर। ये क्या है आपका? एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, या फिर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ वायर। कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने इनफाइनाइट ली है, बट यहाँ पर हमने एक फिक्स वैल्यू के लिए पहले वैल्यू निकाला है L के लिए। वायर है जिसकी लेंथ L है, तो इस वायर के थ्रू r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई आर। आर क्या है?
आर आपका वो डिस्टेंस है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, जो लाइन ऑफ चार्जेस हैं उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, एंड वायर का चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। तो अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। पहले हमने एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फॉर्मूला निकाला था, उसके बाद हमने डायपोल का केस लिया था। डायपोल में दो चार्ज आ गए थे, दो चार्ज थे, दो चार्ज के थ्रू डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट पोलैरिटी के और डिफरेंट हो और उनके बीच के डिस्टेंस आपकी 2L थी, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड उनके एक्सियल पॉइंट पर एंड इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसके नेक्स्ट स्टेप में। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, सिंगल चार्ज से हम दो चार्ज पे आए थे, आज हमारे पास क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं एंड दी चार्जेस आर इन एन अरेंजमेंट ऑफ अ लाइन। चार्जेस हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक वायर के थ्रू, एक वायर मान लीजिए, वायर क्या है आपका, वायर में नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं जो कि एक लाइन में अरेंज है आपके। तो हमने यहाँ पर सिंगल चार्ज लिए पहले, फिर डबल चार्ज लिए, फिर अभी हमारे पास क्या लाइन ऑफ चार्जेस हैं, या फिर आप एक कंसीडर कीजिए एक वायर है, वायर में क्या है नंबर ऑफ चार्जेस एक लाइन में अरेंज है एंड इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक वायर नहीं है, सिंगल से डबल चार्ज पे आए हैं, अब वायर पे लाइन ऑफ चार्जेस पे आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास पूरी शीट होगी जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस होंगे 2D में, अभी ये 1D में है, अभी क्या है 1D में है ना, हम एक वन डायमेंशनल स्पेस पे हम वर्क कर रहे हैं, वन डायमेंशनल है ये, सिर्फ हम लाइन के बारे में बात करें। नेक्स्ट स्टेप पे क्या जाएगा आपका, एक वन डायमेंशनल एक 2D पे आप वर्क करोगे, आपके पास एक प्लेन शीट होगी। अब शीट क्या होती है, प्लेन क्या होता है आपका, 2D होता है ना, जब शीट होगी तो उस शीट के थ्रू किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।